ब्रोली के बारे में अगर बात करें तो ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री के अंदर आए सभी सेंस के अंदर अभी तक शायद ब्रोली का पोटेंशियल सबसे हाई है। ब्रोली ने थोड़े टाइम के अंदर गोकू के सुपर सेंस ब्लू को कम्प्लीटली सरपास कर दिया था। दैट्स वाई ब्रोली मूवी के अंदर गोकू एंड वेजिटा को पोजिशन करके गोजिटा को बुलाना पड़ा था। हालांकि गोजिटा ने बैटल के अंदर ब्रोली को कम्प्लीटली डिफीट कर दिया था, बट अब ऑलमोस्ट हर कोई ब्रोली को जिरेन के अगेंस्ट देखना चाहता है। हर कोई देखना चाहता है कि अगर ब्रोली का बैटल जिरेन के साथ हुआ होता तब इनके बैटल का एक्चुअल विनर कौन होता। तो इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए मोंटी ब्लैक एंड जॉर्डन ली ने मिलकर यहाँ पर यह कमाल की फैन मंगा ब्रोली वर्सेस जिरेन को क्रिएट किया है। ब्रोली वर्सेस जिरेन की ये वाली फैन मंगा यार वाकई में कमाल की है। सो डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट द क्रिएटर, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो स्टोरी की स्टार्टिंग बीरूस के प्लैनेट से होती है, जहाँ पर गोकू अपने बेस फॉर्म के साथ अल्ट्रा इंस्टेट को यूज कर रहा था। तो वहीं ब्रोली अपने सुपर सेन के लेवल 1 पर था। यहाँ पर ब्रोली अपने स्टाइल में बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे रेकलेसली गोकू पर अटैक कर रहा था। तो वहीं गोकू बड़े आराम से ब्रोली के सभी अटैक्स को डॉच कर रहा था, बट टाइम के साथ उनका बैटल वाकई में काफ़ी इंटेंस होता जा रहा था, जो कि वाकई में आसपास काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था। वैसे एंड चेलाई इनके बैटल को थोड़ी दूर खड़े होकर देख रहे थे। यहाँ पर ब्रोली एंड गोकू पावर अप करते हुए अपनी फुल स्पीड पर ऑलमोस्ट क्लैश करने वाले थे कि तभी विस उनको अपनी पावर्स को यूज करते हुए उनको एक वॉइड स्पेस के अंदर पहुँचा देता है। यहाँ पर विस बताता है कि लॉर्ड बीरूस के प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करते हुए उनको जगाना शायद अच्छा आइडिया नहीं होगा। ये सुनकर गोकू भी विस की एडवाइस पर एग्री हो जाता है। इसके बाद विस ब्रोली को पॉइंट आउट करते हुए गोकू से कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड ब्रोली का पोटेंशियल वाकई में कमाल का है। साथ ही ब्रोली किसी भी प्रकार के ऑब्स्टेकल्स को बड़ी आसानी से सरपास कर सकता है। इसके ग्रो होने की एबिलिटी इवन गोकू तुमसे भी ज़्यादा बेटर है। यह सुनकर गोकू बताता है कि मैंने अपनी लाइफ टाइम के अंदर वाकई में ढेर सारे अपोनेंट्स के साथ बैटल किया है और उन्हीं अपोनेंट्स की वजह से मैं आज इस लेवल पर आ पाया हूँ। अपोनेंट्स के बारे में सोचते हुए गोकू को यहाँ पर जिरेन का आइडिया आता है, जिसे सुनकर विस कहता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिरेन पावर के मामले में वाकई में सुपर स्ट्रांग फाइटर था। देन गोकू कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि अब तो जिरेन और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया होगा। गोकू के इस आइडिया पर चेलाई एग्री नहीं होते, तो गोकू यहाँ पर ब्रोली से इस बारे में पूछता है, जिस पर ब्रोली हंसते हुए एग्री हो जाता है। इसके बाद गोकू अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज करते हुए यहाँ पर जिरेन की एनर्जी को फील करने की कोशिश करता है कि तभी गोकू को रियलाइज होता है कि वो यूनिवर्स 11 की एनर्जीज को यूनिवर्स 7 के अंदर कैप्चर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वेस गोकू के साथ सभी को वहाँ पर ले जाने का डिसीजन लेता है और कुछ टाइम के बाद गोकू जिरेन के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर गोकू कहता है कि लॉन्ग टाइम नो सी जिरेन, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने एक फ्रेंड से मिलवाना चाहता हूँ। यहाँ पर ब्रोली एंड जिरेन एक दूसरे को कुछ इस तरह अपनी अपनी स्टाइल में घूरते हैं। देन गोकू कहता है कि मुझे पता है तुम्हें मेरे साथ बैटल करके काफ़ी मज़ा आया था, बट यह बंदा वाकई में एकदम डिफरेंट लेवल का फाइटर है। तुमसे बैटल करने के बाद मैंने इसके साथ बैटल किया और मैंने बैटल के अंदर सब कुछ ट्राई किया, बट फिर भी मैं इसको बैटल के अंदर डिफीट नहीं कर पाया था। उस टाइम मेरे लिए इसको अकेला बीट कर पाना वाकई में इम्पॉसिबल था, क्योंकि ब्रोली पावर के मामले में वाकई में सुपर स्ट्रांग फाइटर है। गोकू के इस ऑफर को सुनकर जिरेन यहाँ पर पहले तो कुछ सोचता है, देन कहता है कि ये मेरी लिमिट्स को टेस्ट करने का वाकई में काफ़ी अच्छा मौका है, बट फिर भी मैं तुम्हारे इस ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। ये सुनकर गोकू यहाँ पर जिरेन को मनाने की कोशिश करता है और बताता है कि जैसा तुम लोगों के पास पोटेंशियल है उसके जरिए इवन तुम लोगों को भी आइडिया नहीं है कि तुम लोग पावर के किस लेवल को अचीव कर सकते हो। गोकू के इन लाइंस को सुनकर जिरेन हंसते हुए यहाँ पर कहता है कि अब मैं शायद तुम्हें अच्छे से जानने लगा हूँ सन गोकू, मतलब इस टाइम जिरेन बैटल के लिए एग्री हो गया था। इसके बाद गोकू ब्रोली के बारे में बताते हुए जिरेन से कहता है कि इस बंदे के पास कमाल का पोटेंशियल है, जितना तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। अगर तुम इसे बैटल के अंदर पुश करोगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि ब्रोली बिना किसी डाउट के पावर के नेक्स्ट लेवल को अचीव कर लेगा। आफ्टर दैट जिरेन एंड ब्रोली एक दूसरे के सामने अपनी अपनी स्टाइल में खड़े हो जाते हैं और इसी पॉइंट पर आकर इस मंगा का चैप्टर नंबर 1 एंड हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मंगा को कवर करूं और इसके आगे के चैप्टर्स को फटाफट कवर कर दूं,
तो यार वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करो। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।